हेलो गाइज, कैसे हो? टुगेदर होकर में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं मोहित और मैं जो XL6 गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो हम, आप देख सकते हो, दोनों ही सतरंगी और पचरंगी हो रखे हैं। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस यही है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हम जल्दी से जाएं और हमारी गाड़ी, मतलब कि ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से लग जाए सर्विस के अंदर और हम जल्दी फ्री हो जाए, ताकि आज का जो दिन है हमारा पूरा लगे भी ना और हम टाइम भी यूटिलाइज कर लें। तो एक बार सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं गुरदासपुर के अंदर मारुति नेक्सा शोरूम, वहां से हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएंगे। दिवाली नज़दीक है तो सभी चीज़ों की साफ सफाई होनी चाहिए, तो गाड़ी की भी होनी चाहिए और आने वाले कुछ टाइम में शादी भी है, तो इस करके गाड़ी में जो भी दिक्कत है वो सारी दूर की जाए, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा इस वजह से, और आगे उस चीज़ों के भी ब्लॉक आपको देखने को लिए मिलेंगे। और ये बाईपास कलानूर रोड जो है उसको देखकर मोहित को कुछ फील आ रही है, क्या कहना चाहोगे? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ की खुशी मुझे क्यों हो रही है, क्या कारण है। मैं कारण ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है अभी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस रोड को बनने से पहले मैंने कम से कम 2-3 साल मतलब इस रोड के ऊपर मतलब कि वेस्ट किए हैं, और मेरे को इतना बुरा लगता था क्योंकि इस रोड की बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। तो मैं कभी कभी तो ये मतलब कि रोड पर आना ही नहीं मतलब अच्छा समझता था, और आज देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप देख सकते हो बहुत चकाचक बन चुकी है। वैसे इसमें जो पत्थर डाले हुए थे काफ़ी टाइम से, वो पत्थर डाले हुए थे ये जा रही है पठानकोट और ये जा रही है अमृतसर। और गाइस, हम पहुंच चुके हैं मारुति जो सर्विस स्टेशन है वहां पे। सर्विस टाइम पहले ही नोट किया हुआ है, लिया हुआ है, अभी फोन करते हैं कि बाद में सब पता लग जाएगा। और गाड़ी हमारी लग चुकी है नंबर में, और जो जिसने सर्विस के बारे में जानकारी देनी है या जिसके जिम्मे हैं, हमारी बुकिंग पहले हुई थी, ये कोई रमनिक जी हैं, ये आगे देखेंगे। अभी वो किसी और गाड़ी की वो टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं, तो देखते हैं कितने बजे फ्री करते हैं। 1:15 बजे का टाइम दिया था, और पास में ही, और हम एक गाड़ी और देखने के लिए प्रयास कर रहे थे, मारुति की। जो कौन सी गाड़ी है वो? ये तो हमने अब हमारी गाड़ी लगा दी अभी सर्विस के अंदर, और ये बोल रहे हैं मैक्सिमम इसमें 3.5-4 घंटे हमें लग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम हम यूटिलाइज करें, और साथ ही में हमारे हैं महिंद्रा का शोरूम, तो मैं सोच रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें देखो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, पास से हमारे एक शोरूम है गाड़ी का जो कि महिंद्रा का है, तो मैं देख रहा हूँ जो हमारी जो न्यू गाड़ी आई है यहाँ पर, स्कॉर्पियो एंड क्लासिक वगैरह, तो हम जाकर देखते हैं कि वो किस टाइप की गाड़ी है, और मतलब कि हम उसका कोटेशन वगैरह बनाते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं न्यू ईयर पर गाड़ी गुड़ी हम न्यू परचेज करें, लें, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए।
थार या फिर वो एक्सयूवी 700 में। एक्सयूवी 700 एक्चुअली 700 दे देते आपको कब तक? तो आप आज बुक करवा दो, एक वीक से पहले दे देंगे आपको। एक वीक से पहले भाई? तो उसमें एक मैंने सुना है कि न्यू वेरिएंट भी आया 5 सीटर वाला है। दो ऑप्शन है उसमें, 5 सीटर ले सकते हो, 7 सीटर ले सकते हो। हमारे पास जो अवेलेबल है वो आपको बता दो, क्योंकि मिल जाएगा आपको जो मैं आपको मतलब दिवाली से पहले पहले डिलीवर कर दूँगा और आपको दे दूँगा मैं। थार नहीं हो पाएगी, 4x4 भी नहीं हो पाएगी। 4x4 में ऑटोमेटिक का है अगर मिल जाए तो। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन? मैनुअल की बुकिंग है हमारे पास, कम से कम भी हमारे पास उसकी बुकिंग 50-60 गाड़ी की होगी। तो गाड़ी मंथ में जो मिलती है वो मिलती है 20 गाड़ी, वो भी 2-3 मंथ में मिलेगी आपको। ऑटोमेटिक है कि ऑटोमेटिक इस मंथ में मिल जाएगी, पर वो भी बनते रहते नहीं मिलता है। न्यू ईयर तक तो मिल जाएगी 4x4 ना? हाँ, न्यू ईयर तक मिल जाएगी अगर आज बुक करवाए तो। ऑन रोड को कितने की पड़ेगी मैनुअल की 4x4? नहीं ये जो आप बता रहे हो ये थार, ये जो कहने का किसी भी तरीके से कहने का मतलब नहीं मिल सकती 1.5 साल का? हाँ यहाँ से चाबी लेंगे, जो डमी वेरिएंट है उसकी। हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी थी और हमने गेट वाले को गेट पास दिया और हमें बोला गया था कि 1:30 बजे आपको फ्री कर देंगे, लेकिन हमें शाम के 4 बज गए और हमें बोला गया था 50% आपको व्हील वेलिशिंग में लेस देंगे और लेबर के में 25% लेस देंगे। वो हमें दिया, उसका 600-700 रुपये फ़ायदा हुआ, लेकिन बिल काफ़ी बना दिया गया था क्योंकि एक से एक कमियाँ निकल रही थी या वो निकाल रहे थे। इस वजह से हमारा 13,000 के समथिंग बिल बन गया और हमने गाड़ी की सर्विस करा के वहाँ से आना अच्छा समझा और हम वहाँ से फ्री होकर और रवाना वापस हो गए घर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और इसी के साथ में हम अपने ब्लॉग का वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में लिखने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम किस प्रकार की क्या वीडियो बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।